नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी अवैध शादी से जन्मी संतान का उनके माता पिता की अर्जित और पैतृक प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। ऐसे मामलों में बेटियां भी प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार होंगी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अवैध शादी से जन्मे बच्चे वैध होते हैं। माता पिता की संपत्ति पर उनका उतना ही अधिकार है जितना कि वैध शादी में दंपति के बच्चे का होता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत किसी शादी को दो आधार पर अमान्य माना जाता है, एक शादी के दिन से ही और दूसरा जिसे अदालत डिक्री देकर अमान्य घोषित कर दे। हिंदू सेक्शन लॉ के आधार पर अमान्य शादियों में जन्मी संतान माता पिता की संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि उनका यह फैसला केवल हिंदू मिताक्षरा कानून के तहत ज्वाइंट हिंदू फैमिली की संपत्तियों पर ही लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2011 में दायर एक याचिका पर सुनाया जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम धारा 16 को चुनौती दे दी गई थी। इस एक्ट के तहत अवैध शादी से पैदा हुए बच्चे केवल अपने माता पिता की संपत्ति के हकदार हैं। माता पिता की पैतृक का किसी दूसरी संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं होता। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।